एक शेर मौला अब्बास दी बारगाह दी है और मैं पता है सुन्नी को पीर जी इस वेले सुभाना ला लेना एडा औखा जिंदा इंडिया को कश्मीर लेना औखा है लेकिन दुआ करो ऐसे हसन वाली गल कोई नहीं दुआ करो अल्लाह करे कश्मीर सानू मिल जाए हाथ हाथ चौके बोलो यार हाथ चौके बोलो हाथ चौके बोलो पता नहीं केड़ा बंदा हजूरी वाला बैठा हुए उदी दुआ कबूल हो जाए मैं ते कमीने दी बदन ना लगे लेकिन थोड़े पिछों कैसा बंदा होवे जेते उठे हाथ दी लाज मेरा मालक रखे और कश्मीर पाकिस्तान दा हिस्सा बन जाए और सारियां जेड़ियां बेटियां मामा पहना दे सिर तो दुपट्टे उतर के इज्जत ता ता करके जनों लटकाया जा रहे है अल्लाह उन्हां दी इज्जत दा हामी और नासर बन जाए बिस्मिल्लाह एक बार हाथ बुलंद करके कश्मीरियां दे हौसले वास्ते नारा हैदरी नारा हैदरी बस एक शेर और अपने भाई दे मायके वाले फिर थोड़े नाल जिंदगी मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह मैं पूरी बजम का शुक्रिया अदा करना मदनी सौन वाले बेली का अल्लाह की कसम मैं बड़ा शुक्रिया अदा करांगा मैनू पता है कि मेरी इस तबीयत के बावजूद तुसा किवें चलाया है बड़ा अच्छा चला देखे जी फिट एक दो बंदे इतने के लेटे सन अल्लाह का शुक्र उठ के बह गए वो मैं समझा सी स्टेज डिग गई इन वास्ते ही लम्बे पै गए बहुत शुक्रिया लड़ी बड़ बड़ बड़ी मोहब्बत की बातें हैं आंखों आंखों में इशारे हो गए तुम हमारे हम तुम्हारे हो गए बस बात ही है बस अल्लाह करे अल्लाह हमें एक दूसरे से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए हजूर के मिलाद का सिलसिला यही है कि अल्लाह एक दूसरे का प्यार एक दूसरे की इज्जत बजम को जो इज्जत अल्लाह ने दी है उसके लिए एक पीर नसीरुद्दीन का शेर मुझे याद आ रहा है नसीर मिल्लत ने कहा है शाफी को अलील कौन कर सकता है सखी को बखील कौन कर सकता है जिसे वो इज्जत देना चाहे नसीर फिर उसे जलील कौन कर सकता है जिसे वो इज्जत देना चाहे नसीर फिर उसे जलील कौन कर सकता है मैं पूरी बजम खराज तहसीन पेश कर रहा मौला अब्बास की बारगाह एक शेर तो यू टर्न लैके मैं अपने भाई दे मायके हवाले करांगा फिर बह के उन्होंने सुनांगे असीं इत्थों कट्ठे निकलांगे ते नाश्ता हाकम साहब वाल होएगा इंशाअल्लाह बरसदे मायक पीर साहब एक शेर के रूह और कलब की प्यास बुझा देती है सैयदा ज़हरा के बच्चों से मोहब्बत कर लो ये वफादार को अब्बास बना देती है ये वफादार को अब्बास बना देती है ये वफादार को अब्बास साहब ये वफादार को अब्बास बना देती है क्योंकि नाद मीर दान साहब मेरी जान थी कुर्बान नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर ना 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 थोड़ी मेहरबानी चाचा ओ चाचा तेन अल्लाह का कसम बह जाए यार मेहरबानी और शाह जी सौ का मरूडा खा सकते मेरे को दसा तो नहीं खा वो सैयद नहीं खा सकते ने लेकिन तवज्जो रखना मेहरबानी कर रहे जे तवज्जो मैं एक बार बह जा तेरी मेहरबानी तकलीफ ना देगी वो तो नुकुर तुके बह जा लो जी सुन लो नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर जिबरील मुस्कुराने लगे आसमान पर मौला अली मुंबई से बैठे थे फरमाते ने सलूनी सलूनी पूछो 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 मैं दसा मैं दसा मैं दसा मोमना दे विच एक मुनाफिक उठ के कहता है जो पूछा दसोगे मैं पूछ उन्होंने कहा जी खाना की है मैं आपने फरमाया दूध चावल कहना मेरी माजला थोड़े ना सिद्ध हो गई मर जावगा दूध चावल नहीं खावगा फरमाया मैनू भी अली कहते अज तो दूध चावल ही खाएगा घर गया तो बीवी ने पूछता की पकाई कहते दूध चावल कहना नहीं खाने कहीं खा कसबा दस जो पक्का है वही तेनों देना है कहीं की करा उन्हें कहे गुआढ़ियां दे गए गुआढ़ियां दे गई दुध चावल कहना जा अपने मेकिया दे घर उधर गई दुध चावल कहना मेरे चाचे बामे दे फिर के परेशान हो गए कहीं जिथे गई दुध चावल दुध चावल दुध चावल चंगेर शंगेर टो कनाली शनाली की प्याली लेके खा रही वापस आ गई कहती दुध चावल पके कहता ला तू बहुत मैं उन्हें वापस आया शहरों निकलिया बाहर अगो अगड़िया काफला काफले च ला तादाद जानवर जड़ी सब तो की सवारी उस काफले के सरदार दी उन्होंने रोक के कहता सरदार जी रोकना रुक गया की पकाया जी उन्हें कहा दुध चावल सदके जावा थोड़ी सुहाग ला तो हम पता लग जाएगा तुम कितने बैठे हो तो किस मुलदी से बैठे हो दुध चावल उन्हें कहा मैं तो नहीं खाने उन्हें कहा तेरी ऐसी दी ऐसी साडा काफला भी डके ते सरदार नु कोल पुछे भी सही ते साडे रिस्क दी तोहीन भी करे उन्हें कहा खा उन्हें कहा नहीं खाने उन्हें पंजा सता बंजा नु इशारा किया उन्हें कहा लम्मा पाओ उन्हें अल्लाह की कसम तारीख इंजी ची लिखा उन्हें पंजा सता लम्मा पाया एक ने मुंह खोलिया दूजे ने दुध चावल पाया तीजे ने खुती ते सुटी दुध चावल अंदर हकीकत बयान कर रहा
मुलाकात होगी पर मैं की खा के आया यार एडी टीवी सुभान अल्लाह की कसम नहीं होनी चाहिए यकीन करो बर्दाश्त हिम्मत एडी ढिली होनी होनी चाहिए इतने रख के बोल अल्लाह करे तेन मौला नी दुध चावल लभण इतने रख के बोल ना तेन एहसास आना पंचन पाक से आया कर जाया कर ये पीर साहब आते ना तिना को भी जाया कर उ जाके लंगर खाया कर वो लंगर भी मौला हुसैन का मौला एरी का लंगर होता है याद रखना मैं इन्होंने वास्ते मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा मिंबरे से बैठा गल पक्की पै करना मौला कहना तेन पूछा की खा के आया उन्हें कहा दूर खान छो पर गल सची है जेदा मैं मौला होता है री मौला बस नादे अली जो आ गया मेरी जुबान पर जबरीन मुस्कुराने लगे आसमान पर मुनकर की क्या मजाल मेरे घर में आ घुसे नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर दर्द सोच में डूबी हुई आवाज सबर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये अलग बात खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं हाकम साहब मैं बात मेरी याद रखना मेरी याद रखना अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ अल्लाह के लिए हमारा अंदर वाला सना खान जाग जाए अंदर वाला तो फिर लालच नहीं होता फिर कमी नहीं रहती फिर जो वादा किया होता अल्लाह उसको निभाने की तौफीक अता फरमाए मैं बर्दाश्त को भी सलाम इंतजामिया के साथ तामन को भी सलाम।